ज़बरदस्त बॉक्स पे बना हुआ है पर पत्थर, और मैं 2-3 दफ़ा ना घूम गया हूँ एक्चुअल में, पता नहीं कहाँ जाना है मैंने। ये तो टेस्ट उठ गया भाई, ऐसे और पानी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज बिलाल अज़म, आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और इस वक्त मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ मिस्र को, और मिस्र के शहर में इस वक्त हूँ मैं, कायरो में। आपको पिछले एपिसोड में मैं अभी तक मिस्र की जो तारीख है, एंशिएंट इजिप्ट जो कि 23 लाख साल पहले स्टार्ट हुई, और फिर 5000 साल पहले इराम मिस्र और जो पिरामिड्स वगैरह थे वो मैंने आपको दिखा दिए थे। अब इसके बाद जो दौर आया वो आ गया अलेक्जेंडर का, तकरीबन आप यूँ समझ लें 2600 साल पहले, 300 BC में। तो अलेक्जेंडर ने फिर एंशिएंट इजिप्ट जो कि फिरौन और वगैरह थे उनको ख़त्म किया, और फिर यहाँ पे उसकी हुकूमत कायम हो गई। उसने अपना शहर आबाद किया था अलेक्जेंड्रिया। तो आज मैं कायरो से निकल के आपको ट्रैवल करवाने वाला हूँ अलेक्जेंड्रिया की तरफ, जो कि बिल्कुल इनका ऊपर की तरफ है, टूवर्ड्स द नॉर्थ। और ये शहर इसने पूरा आबाद किया था, और वहाँ से फिर यहाँ पे जो बेसिकली, क्योंकि अलेक्जेंडर का ताल्लुक मैसेडोनिया से था, ग्रीक से था, तो उसने फिर इधर ही उसकी जो ग्रीक माइथोलॉजी है वही यहीं पे फिर आबाद हुई। बाय द वे, मेरी जो पिछली सीरीज़ थी बाल्कन्स की पिछले साल की, उसमें मैंने मैसेडोनिया के ऊपर पूरा ब्लॉग किया हुआ है, अलेक्जेंडर के ऊपर बड़ा डिटेल में बताया, वो एपिसोड ज़रूर देखिएगा, उसका मैं लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो अभी बस मैं निकलने लगा हूं, और निकलने से पहले मैं यहां पे ले रहा हूं अपना कुछ ब्रेकफास्ट, और फिर हम वैन पकड़ेंगे। तो ये एक चिकन की टिक्की या रोल होता है आप यूँ समझ लें, ये एक बाकरखानी के ऊपर ही इन्होंने लगाया होता है पिज्ज़ा सा, और ये है सिंपल सी बाकरखानी। तो ये 8 पाउंड का है, 8 इजिप्शियन पाउंड का, पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 80 रुपये का। तो जी ये मैंने पैक करवा लिया, और अब हम निकलते हैं टू वर्ड्स बस स्टॉप के तहरीर स्क्वायर। ओके चलो तहरीर स्क्वायर के लिए। ओके जी, तो वैन ने मेरे से लिए थे सिर्फ 4 पाउंड। आयशा सिद्दीका एरिया से मैं आ गया हूँ तहरीर स्क्वायर से, थोड़ा सा पीछे ही उन्होंने मुझे उतारा, और 15 मिनट का तहरीर स्क्वायर से आगे थोड़ा सा रास्ता जहाँ से बस चलती है गो बस, दो तीन मिनट पहले बस मैं पहुँचाऊँ, 7:45 पे चलेगी यहाँ से। ऑलमोस्ट इसका सफ़र होगा हमारा 2.5 घंटे का, 200 किलोमीटर का ये सफ़र है। यहाँ से हम जाएँगे अलेक्जेंड्रिया, जिसको अरबी में सिकंदरिया भी कहते हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर को अरबी में, उर्दू में हम सिकंदर आज़म कहते हैं। ओके जी, टाइम हो गया, सो लेट्स गेट इन, चलते हैं अंदर। सीट नंबर है मेरी 12। लेग स्पेस तो बहुत कम है यार, सीट उस तरह अच्छी है, नॉट बैड, बट लेग स्पेस का थोड़ा इशू है। ओके जी, तो बस चल पड़ी है, 7:45 पे चलनी थी, मैं ऑलमोस्ट 7:43 पे पहुंचा था, लेकिन बस चली है 8 बजे। तो ये हमारा जो सफ़र होगा, ये मिस्र की बसों का भी मैं रिव्यू दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सादी वैगने हैं, जो हाईएस्ट वैन होती हैं टोयोटा वाली, उस पर भी आप जा सकते हैं, वो सिर्फ 70 पाउंड के अंदर आपको मिल जाती है इजिप्शियन पाउंड के अंदर। ये वाली मुझे 160 इजिप्शियन पाउंड की पड़ी है, ऑलमोस्ट डबल, तो 1600 रुपये। और आपने भी अगर बुक करवानी है तो ये है gobus.com। बस आप ये देख लें कि इनके सदर की तस्वीरें हर जगह पे, हर 2 मिनट बाद, हर ये देखें, बस गौर करते जाएं आप, देखते जाएं, हर 5 मिनट बाद आपको इनकी ये सदर का एक बिलबोर्ड नज़र आ जाएगा। यार 5 नहीं सॉरी, हर 10 सेकंड बाद, हर ये देखें, बस मैं कंटिन्यूस एक वीडियो बना रहा हूँ, और आवाज़ देखते जाएँ कितना, मतलब पूरे शहर में यार लाखों बैनर, एक नहीं, मैंने अभी कंटिन्यूसली देख लिया, स्टिल रखा हुआ कैमरा और कंटिन्यूस दिखा रहा हूँ आपको। तो ये यहाँ से एक चीज़ नज़र आती है कि जो जेन्युइन लीडर नहीं होता ना आवाम के दिलों में, नहीं होता, वो जितने मर्ज़ी इस तरह के बैनर लगा ले, आप आवाम के दिलों में नहीं जा सकते। ये बात उनको समझ आ जानी चाहिए, जो लोग हमारे भी जहनों में ज़बरदस्ती का एक बंदा घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट जी, सो फाइनली पहुंच गए हम सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया, और टाइम देखे क्या हुआ जी, टाइम 11:30 हो गया। तो हमारे पास 6 से 7 घंटे हैं
अलेक्जेंड्रिया को एक्सप्लोर करने के लिए। तो छोटा सा ही है शहर, और आए निकलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। चले जी, बाहर आ गए। ठंड इधर थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है कायरो से, लेकिन मौसम इज़ प्लेजेंट। और फिलहाल तो धूप निकली हुई है यहाँ पर, और बहुत बड़ा टर्मिनल है इनका यार, बहुत ही ह्यूज है। ये थी हमारी बस, दो बस। तो मोहम्मद रासिल भाई हैं जो मुझे मिले थे हमें कायरो में, और हमने साथ इकट्ठे ट्रैवल किया। और रासिल भाई जो हैं वो हैं बांग्लादेश ढाका से। लास्ट टाइम मैं जब बीजिंग से भी आ रहा था तो मुझे वहाँ पे भी बंगाली भाई मिले थे, इधर भी मुझे मिले तो अच्छा लगता है। तो हम सोच रहे थे कि इकट्ठे घूमा जाए, लेकिन क्योंकि वीडियो बनाते हुए थोड़ा सा मसला होता है, और मुझे ज़रा मैं कभी इधर निकल जाता हूँ कभी उधर निकल जाता हूँ, उसकी वजह से हम थोड़ा सा साथ नहीं जा पा रहे। लेकिन यह कि जगह हम इकट्ठे ही कहीं ना कहीं पे घूम रहे होंगे, ठीक है। तो आपके साथ क्योंकि फैमिली है, इस वजह से मैंने कहा मेरी वजह से डिस्टर्ब ना हो। तो सी यू इंशाल्लाह, सी यू सून, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। आपस की बात है, मुझे मेरे जहन में ना अलेक्जेंड्रिया का नाम सुन के लग रहा था कि कोई बड़ा ही मॉडर्न किस्म का शहर होगा, क्योंकि अलेक्जेंडर के नाम से कुछ लिंक था। तो यहाँ पे कुछ मिल रहा है यार, मुझे अब भूख लग रही है। अच्छा, ये वही है, कलेजी है। हेलो हेलो। तो यार यहाँ पे मुझे जो मिस्र में अभी तक स्ट्रीट फूड है ना, इनका दो आइटमें ही सबसे ज़्यादा नज़र आ रही हैं। वो जो एक फूल है, जो फूल मैंने खाया पिछले एक दो दिन में, और उसके अलावा वो जो एक रोटी से होती है उसके अंदर कबाब और या कलेजी डाल के देते हैं बीफ की, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आया। तो भूख लगी हुई है क्योंकि आलमोस्ट इसने 11:30 मुझे पहुँचाया, 12 बजने वाले हैं। लिखा हुआ है कशरी मैक्रोना और केदा फूल फलाफल। ओके जी, कुशरी मैं खा रहा हूँ, इससे पहले नूडल्स हैं, ये इनके राइस हैं, और ये इसने ग्रेवी सी डाली है कुछ ऊपर, ये कुछ क्रिस्पी क्रिस्पी सा डाला है, और ये डाला है लाल प्याज, इसके साथ दे दिया इसने चने। ये देखें, ये थे वो हमारी मैक्रोनी टाइप है, ये इनके चावल सेवैया हैं, ये कुशरी रेडी हो गई है। ये क्या जी, कुछ सॉस है, और ये इसने मुझे बताया नहीं है ये क्या है। ये देखो, ये ना बहुत मोटा मोटा मसर है, लग रहा है जैसे उसको इन्होंने मसर को शायद हार्ड किया हुआ है। नीचे सॉस थी, और चावल जो है ना वो काफ़ी मोटा है। चले जी, अब इसको ट्राई करते हैं, और ये इसने क्या सॉस डाल के खाओ। यार वीडियो बनाने नहीं दे रहा, बड़ी मुश्किल से इजाज़त लिया मैंने। सॉस चले पहले, हॉट हॉट सॉस, ठीक है जी, पहले इसी तरह ही खा के देखते हैं। डिफरेंट टेस्ट है यार, ये ड्राई मसर तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खाया है, और चावल भी। ये देखो, ये मिस्र का है मोटा मोटा चावल, कुशरी 20 पाउंड का है, 200 रुपये मैक्रोनीज़ बस चावल, और मसर थोड़ा सा फ्राई हुआ हुआ है। इनका चावल भी मैक्रोनी की तरह नरम नरम लग रहे हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। यार ये भी डाल के देख लेते हैं। गोलगप्पे का खट्टा नहीं होता ये, मुझे वो लग रहा है। चेक करते हैं क्या टेस्ट है। इसको इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी नहीं आता, इसलिए थोड़ी सी कम्युनिकेशन की मुश्किल हो रही है। ये तो टेस्ट टूट गया भाई, इतने होर पानी पेगी। ओह डाडा सुठो मज़ो, खट्टे खट्टे हो गए हैं, मज़ेदार। होर पाओ, अब आया मज़ा, पहले पिक्का पिक्का सीन था। बीस युआन की है, 20 इजिप्शियन पाउंड की है, 200 रुपये पाकिस्तानी। यार जूस बहुत मज़े का भाई, चावल इतने दिनों बाद खाए हैं आज मैंने, इसलिए भी शायद अच्छे लग रहे हैं। मज़ा आ गया यार राइस का। और अब चलते हैं हम अलेक्जेंडर की लाइब्रेरी दिखाने, और साथ साथ अब मैं आपको फिर हिस्ट्री बताऊंगा। पेट ज़रा भड़ गया ना अब इसलिए। तो अगली वैन अब हमने इसी टर्मिनल से पकड़नी है, अलेक्जेंडर लाइब्रेरी की, और फिर आपको थोड़ी सी डिटेल बताते हैं। मनशया मनशया,
ओके जी, सो ओ भाई बड़ी मुश्किल से बचना पड़ता है वैगनों से, ट्रैफिक बड़ी गंदी है यहाँ की, तो चलते हैं हम सामने। और ये देखें जी, बिल्कुल मुझे ये समुद्र के किनारे के ऊपर ले आया, तो दिस इज़ द फार्दस्ट एंड ऑफ मिस्र, और जहाँ पे समुंदर लगता है एक्चुअल में इजिप्ट को। तो आए जी, आज पहली झलक देखते हैं हम इजिप्ट के बीच की। लुक एट दिस, वाओ यार, नॉट बैड, बल्कि मैं तो कहूँगा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत साफ सुथरा, और क्या कलर है पानी का यार, ऑसम। साथ ही देखें जी, ये है लाइब्रेरी जहाँ पे मुझे बैन ने उतारा है, और पहले हम ये सारा इस वक्त बीच देख रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने स्पॉट्स बनाए हुए हैं बैठने के। तो अब ऐसा करते हैं, हम चलते हैं पहले अपनी लाइब्रेरी की तरफ, अगर तो शाम को मैं जल्दी फ्री हो गया तो फिर इधर बीच पे आके बैठेंगे। जब अलेक्जेंडर था उसने 332 BC के अंदर इजिप्ट के ऊपर हमला किया और इजिप्ट को फतह कर लिया, और आलमोस्ट सिर्फ वो 32 साल का था, और इसके बाद ही अलेक्जेंडर जो है वो इजिप्ट और इराक के पास ही एक जगह है बेबिलियन, वहाँ पे जाके, मेनली आप इराक ही कह सकते हैं उसको, और उस ज़माने में वो इजिप्ट का ही पार्ट हुआ करता था, आलमोस्ट वहीं तक ये फैला हुआ था, तो वहाँ पे उसकी जो है वो डेथ हो गई थी। तो अलेक्जेंडर ने इस शहर को एक्चुअल में आबाद किया था, और अपना जो मेन कैपिटल था कंट्रोल करने के लिए बाहर का रोमन एरिया, वो इसको बनाया, दैट इज़ अलेक्जेंड्रिया, अपने नाम के ऊपर ही, इस्कंदरिया इसको आप अरबी में भी कह सकते हैं। तो ये शहर उसने इसलिए बनाया। अच्छा, ना सिर्फ ये अलेक्जेंडर की वजह से फेमस है, एक और फेमस पर्सनैलिटी की वजह से भी अलेक्जेंड्रिया फेमस है, और वो है क्लोपेट्रा। क्लोपेट्रा के बारे में जो लोग नहीं जानते, क्लोपेट्रा जो है वो एक्चुअल में बहुत ही फेमस क्वीन और शहजादी थी इजिप्ट की, और ये आई अलेक्जेंडर के बाद, एक दो यूँ समझ तकरीबन कोई 150-200 साल बाद आलमोस्ट आई है, 80 BC के अंदर आलमोस्ट, और उसने दोबारा से जो इजिप्ट पूरा का पूरा सिविल वॉर इधर ख़राब हो चुकी थी इकॉनमी वगैरह, और उसने यहाँ पर आके दोबारा से जो है वो कमान संभाली, और क्योंकि इसके जो फादर और जो पीछे से दादा वगैरह थे वो ऑलरेडी जो थे वो किंग्स थे यहीं के, लेकिन फिर एक्चुअल में इसने अपने हाथ में पावर ली, और उसके बाद इसने इजिप्ट को इकट्ठा किया, और इसके बारे में कहा जाता है, काफ़ी फेमस है इसके बारे में, कि इसने अपने दो भाइयों से भी शादी की थी सिर्फ और सिर्फ पावर में रहने के लिए, कि पहले एक भाई उठा कि पावर लेने के लिए, इसने उसके साथ शादी कर ली, फिर दूसरा भाई उठा, इसने उसके साथ शादी कर ली, बड़ा अजीब सा इसका सीन है। तो क्लोपेट्रा को कहा जाता है एक्चुअल में लास्ट फ़िरौन ऑफ इजिप्ट एक्चुअल में, बिकॉज जब दरमियान में ये सारे फ़िरौन वाला सिलसिला ये ख़त्म हो गया था अलेक्जेंडर के आने के बाद, जो ये क्लोपेट्रा थी ये उन जैसा लिबास और उन जैसा वो जो ताज पहनते थे मुंह पे, और वो जो गोल्डन कलर के कपड़े पहनना, उसी तरह की के, ताकि उसकी इबादत की जाए और उसको क्वीन माना जाए, तो इसलिए इसको कहा जाता है लास्ट फ़िरौन ऑफ एशियन इजिप्ट। इसकी डेथ के बाद 50 BC में फाइनली जो फ़िरौन का दौर या एंशियन इजिप्ट का दौर जिसको कहा जाता है वो अल्टीमेटली हो जाता है एंड। और इसके साथ ही आपने चलते चलते मैंने देखा पीछे कराची की तरह का तीन तलवार चौक भी नज़र आया हमें। तो अब यहाँ पे एक पब्लिक पार्क मुझे नज़र आ रहा है, इधर कहीं काफ़ी यंगस्टर जो हैं वो खेल रहे हैं, और हमारी इधर लाइब्रेरी आ गई है, आई थिंक शायद यही है लाइब्रेरी। ओके, तो एंट्रेंस टिकट मैंने ले ली है, 150 pounds की मिली है, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 1500 rupees की। लाइब्रेरी की एंट्रेंस टिकट है फॉर टूरिस्ट। ये है जनाब बहुत बड़ी लाइब्रेरी, और बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ है इसके ऊपर, और जो पूरी इजिप्ट की डिफरेंट ज़बानें जो जो सी यहाँ पे सकाफतें रही हैं उन उनकी ज़बानों के कुछ कुछ अल्फाज इन्होंने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो लाइब्रेरी में एंटर होने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये देखें इसके डिफरेंट फ्लोर्स हैं, और इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ क्या क्या, इसके अंदर आप देख सकते हैं इंप्रेशन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, वर्ल्ड ऑफ शादी अब्दुल सलाम, सोशल साइंसेज, रेयर बुक्स, आर्ट्स एंड मल्टीमीडिया, और अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखें नेचुरल साइंसेज, लैंग्वेजेस, एग्जीबिशन एरिया, और बहुत ज़्यादा। ओके, तो मैं आ गया हूँ अब फाइनली लाइब्रेरी के अंदर, सो लेट्स हैव अ फर्स्ट लुक
कि इसकी बालकनी से हमें क्या व्यू नज़र आता है यहाँ पर। ऑलराइट, वाओ, बहुत बड़ी लाइब्रेरी यार, ये आज के ज़माने की है या उस ज़माने की है? उसको इन्होंने रेनोवेट करके डिजिटलाइज कर दिया, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ रहे हैं इंटरनेट पे भी, और ऊपर वाला जो सारा सेक्शन है वहाँ पे सारी बुक्स लगी हुई हैं और नीचे वहाँ पे भी सारी बुक्स लगी हुई हैं। तो ये एक्चुअल में लाइब्रेरी जो एंशियंट इजिप्ट की लास्ट डायनेस्टी थी, जिस तरह मैंने आपको बताया जो क्लोपेट्रा थी, क्लोपेट्रा का जो टाइम था अलेक्जेंड्रिया के बाद, ये तब बनाई गई और पूरी दुनिया की सबसे फेमस जो लाइब्रेरी थी और सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिसर्च हुआ करती थी वो ये थी। तो इजिप्ट जो था फिर उस ज़माने के अंदर आलमोस्ट यूँ समझ लें 70 BC से 50 BC तक इजिप्ट जो था वो यूँ समझ लें कि हेड ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म और रिसर्च और साइंसेज R&D उसका हेड बन गया बिकॉज इस लाइब्रेरी की वजह से, कि ये अलेक्जेंडर के बाद की बात है जब इधर इन्होंने इसको बनाया। तो हम इसका अब एक राउंड लेकर आते हैं, नीचे जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगा मैं, क्योंकि लाइब्रेरी है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने माइक अपना ज़रा और क्लोज़ कर लिया अपने। आहिस्ता आहिस्ता बोलते बोलते मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये लाइब्रेरी की एक बेंच है जो कि एक बुक की शेप के अंदर ही बना हुआ है। अच्छा, ये इन्होंने दोबारा से, ये इन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर रखा हुआ है। एक्चुअल में ये क्या होता था कि जब पुराने ज़माने में गुलाफ बनाया जाता था खाना काबा का, तो इसके जिस मुल्क में भी बनता था वो इस तरह की एक शेप के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाते थे, इसके अंदर फिर गुलाफ रखते थे और फिर वो मक्का के लिए रवाना हुआ करता था, किस्वा जिसको कहते हैं, ये वो है। और ये देखें यहाँ पे खाना काबा के दरवाज़े का जो गुलाफ है वो यहाँ पर लगा भी हुआ है। काफ़ी स्टेप्स हैं, आप नीचे जाते जाएं, जाते जाएं। ओहो, ये चेक करें यार, यहाँ से सारे स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है यार, स्टूडेंट्स इधर पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ एशिया, देखें यार कोई है हमारे से रिलेटेड बुक्स यहाँ पर। ये अब यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया आ गई हैं, इंडिया की बुक्स हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, ये मुगल्स आ गए हैं, बाबर, और ये महात्मा गांधी के ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं, वॉल्यूम के वॉल्यूम्स हैं यार, ये वन वॉल्यूम स्टार्ट हो रहा है, ये सारा महात्मा गांधी के ऊपर लिखा, और कितने वॉल्यूम्स हैं यार, 100 वॉल्यूम्स। यहाँ पर अब ये आ गई हैं पाकिस्तान की बुक्स, और बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर भी किताब यहाँ पे नज़र आ गई है। इसके अलावा मुशर्रफ की भी इन द लाइन ऑफ फायर, बहुत फेमस बुक, वो भी यहाँ पे पड़ी हुई है, और शेख मुजीबुर रहमान की भी पड़ी हुई है। अब ये पढ़ने का दिल करता है, आज का दौर जैसे हम देख रहे हैं, अभी इसकी समझ आ रही है कुछ, ये पढ़ना चाहिए। चलें यार, पाकिस्तान की भी मैंने शेल्फ ढूँढ ली इतनी बड़ी लाइब्रेरी में, चलते हैं बाहर। लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी है लेकिन हमने इस शहर को मुझे एक्सप्लोर करना है, चलते हैं बाहर अलेक्जेंडर लाइब्रेरी से और लेकर चलते हैं आपको किसी नई जगह के ऊपर। ऑलराइट जी, तो हम निकल आए हैं अपनी लाइब्रेरी से। अच्छा, यहाँ पे एक टूरिस्ट बस भी चल रही है यार, डबल डेकर टूरिस्ट बस नहीं है, आई थिंक लोकल बस ही है। तो अब सीन ये है कि हम, जैसे मैंने आपको बताया कि अलेक्जेंडर के बाद जो डायनेस्टी चली जिसमें क्लोपेट्रा भी थी, उसको कहते हैं टॉलमेक डायनेस्टी, जो कि ऑलमोस्ट कोई 300 से 400 साल तक ये चली डायनेस्टी, उन्होंने ही ये लाइब्रेरी बनाई थी। और उसी दौर के अंदर ही जब अलेक्जेंडर ने इसको फतह किया था और इसको अपना कैपिटल बनाया था, इस शहर को, अलेक्जेंड्रिया को, तो उसने यहाँ पे एक रोमन थिएटर भी अपना बनाया था, क्योंकि वो ग्रीस से आया था, ग्रीक लीडर था, तो उसने यहाँ पे आके अपना एक रोमन थिएटर भी बनाया, जो कि वो भी मौजूद है यहाँ पर। यानी जब भी उसने इसको फतह किया था तो ग्रीक का होता यही था कि वो अपने थिएटर बनाया करते थे, जहाँ पे फाइट्स भी हुआ करते थे, उनके फंक्शंस हुआ करते थे। तो अब मैं चल रहा हूँ उस तरफ,
काफ़ी यार ये रश वाला शहर है, मैं समझ रहा था बस वो बीच साइड पे है तो इतना कुछ ज़्यादा रश नहीं होगा इधर। अच्छा टैक्सियाँ इधर की हैं पुराने ज़माने की, पीली काली बहुत ही कोई पुरानी गाड़ियाँ हैं। और बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सारी हमारी जो आज से 10-15 साल पहले वैगनें चलती थी लाहौर में, वही हर जगह मुझे अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनकी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे शायद इनके कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जितने भी मुझे नज़र आ रहे हैं। यार ये कोई लोकन कौन बेच रहा है, कोई ट्राई करे कौन आइसक्रीम बिकम बिकम 2 pounds ओके। लो जी ये चेक करते हैं हम आइसक्रीम मिस्र की सड़कों पे बिकती हुई कैसी खास होती है। और पीछे देखें बड़ा ही खूबसूरत समुंदर, सामने ये लाइब्रेरी और लेट्स सी जी ये बना रहे हैं ओके जी। एक कप इन्होंने वाइट डाला है, ओहो हो ओके, तीन इन्होंने लिए और साथ स्पून दिया है, गुड जी गुड, शुक्रन शुक्रन ओके। तो मुझे 2 pounds समझ आई थी जब वो डाल ही रहा था, मैंने कहा इतनी ज़्यादा 2 pounds की नहीं हो सकती इतनी बड़ी कॉर्न, तो एक्चुअल में 20 pounds की है। तो हम यार समुंदर के किनारे पे बैठ के खाते हैं, ऐसे नहीं बैठना, हम किसी कॉर्नर पे बैठते हैं। नॉट बैड, मैंने कहा बर्फ़ बर्फ़ वाली होगी लेकिन नहीं, मज़ेदार है। वो सामने जो नज़र आ रहा है वो किला है, अभी हमने ये किला भी देखने जाना है। तो एक्चुअल में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना तो एक बहाना ही होता है, असल तो जो मकसद होता है वो यही होता है कि चलते चलते आप लोगों की सकाफत देखें, उनका कल्चर देखें, लोगों से बातचीत करें, उनका जो निज़ाम है सारा उसको एक्सप्लोर करें। दिल करता है यार मैं लोगों से बातचीत करते हुए आपसे आपको दिखाऊं भी, लेकिन इधर भाई वीडियो बनाने ही नहीं देता कोई, खाना जिसे खाना होता है उसकी सिर्फ एक हम खाना डालते हुए कि जब मैंने वीडियो बनानी होती है उससे 10 दफ़ा इजाज़त लेनी पड़ती है, अदरवाइज वो नहीं करने देता। इवन आप कोई साथ बंदा बैठा होता ना, यानी अभी मैं लेडीज़ की बात नहीं कर रहा, लेडीज़ की तो ऑब्वियसली आपने बनानी नहीं है, लेकिन जो मर्द भी वो भी अगर साथ आप की वीडियो में आ जाते हैं ना तो वो फ़ौरन इतना माइंड करते हैं, वीडियो डिलीट करवाते हैं, पता नहीं कोई बहुत ज़्यादा ये लोग माइंड करते हैं वीडियो बनाने को। तो अभी भी मेरे साथ 2-3 दफ़ा हुआ है कि मैं लाइब्रेरी जाते हुए बातचीत कर रहा था लेकिन मुझे सम आउट डिलीट करवाई गई वीडियो। तो यार यहाँ पे प्रॉम भी चल रही है अभी, बहुत ही पुराने ज़माने की, ये देखें हालत तो उसकी बहुत पुरानी हो गई हुई है लेकिन वर्किंग कंडीशन में है, चल जरूर रही है, ट्रेन के डब्बे ही हैं। तो असर की अजानें हो रही हैं और मैं इनके रेजिडेंशियल एरिया से गुजर रहा हूँ, शॉर्टकट मारता हुआ कुछ गलियों से मैं जा रहा हूँ और पतली पतली सी गलियाँ, लेकिन इधर अपार्टमेंट कल्चर है, घर वाला कल्चर नहीं आपको नज़र आता, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स ही होते हैं यहाँ पे रहने के लिए। तो नाज़रीन मैं एंटर हो गया हूँ रोमन थिएटर के अंदर, ये उसके रुइंस ही हैं, खंडरात हैं ऑलमोस्ट की तबाह ही हुआ हुआ है, थोड़ा सा इसका थिएटर हमें नज़र आ जाएगा। ये सामने देखें ये इसकी वो सीढ़ियाँ जहाँ पर लोग बैठते हैं, इसकी जो एंट्रेंस टिकट है वो 100 Egyptian pounds है और अगर आप स्टूडेंट कार्ड अपना दिखा देते हैं तो 50 pounds है। यही है कि जो इनको चीज़ें मिली हैं वो बिल्कुल इस चीज़ का बताती हैं कि जब अलेक्ज़ेंडर ने इस शहर को अपने लिए आबाद किया, अपने लिए चुना, इसका नाम अलेक्ज़ेंड्रिया रखा, ये तब ही मनोरंजन के लिए ये थिएटर बनाया गया था और यहाँ पे आके इनके इवेंट्स हुआ करते थे। और स्पेशली ये वाला वो फाइटिंग वाला नहीं था, जैसे आप देखते हैं ना रोमन थिएटर्स बड़े वाले होते हैं उसमें वो ग्लैडिएटर वाली फाइट्स वगैरह होती थी, ये वो नहीं था, ये सिर्फ म्यूज़िक थिएटर ही था और यहाँ पर म्यूज़िक होता था। और एंटर हो रहा हूँ इस थिएटर के अंदर, तो ये है इसका थिएटर वाला परफॉर्मेंस वाला एरिया, यहाँ पे सामने जो है वो लोग बैठ जाया करते थे और उसके अलावा यहाँ पे फिर इधर परफॉर्मेंस हुआ करती थी इस जगह के ऊपर। तो छोटा सा है, मैंने वैसे जब टर्की में गया था तो काफ़ी मैंने उधर बहुत बहुत बड़े वाले थिएटर देखे थे उनके, अगर आप डिफरेंट शहरों में फिरते हैं, क्योंकि रोमन्स के पास था एक्चुअल में, टर्की तो था भी उनका कैपिटल इस्तांबुल और इसके अलावा जो इज़मीर और एफएसएस वगैरह उनके शहर, तो वहाँ पे आपको थिएटर बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं रोमन्स के। तो जाता हूँ
तो वो आपको दिखाता हूँ कि थिएटर में पीछे जो तैयारी वाला सेक्शन होता था जहाँ पे लोग थे, ओए होए होए होए, ये तो मैं किसी कंट्रात में आ गया हूँ, कोई जानवर ना हो यहाँ पर। तो ये कमरे बने हुआ करते थे जहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते थे वो यहाँ पे पीछे रहा करते थे, और यहाँ से फिर अपनी प्रिपरेशन जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहन के उसके बाद वो यहाँ से निकला करते थे और फिर इस जगह से होते हुए सामने स्टेज पे आया करते थे। यहाँ पर ये था इनका ग्रीक थिएटर, इसको रोमन थिएटर भी कहते हैं। और चलते हैं हम लोग अब वापस बाहर, और एक इनका और किला भी है काफ़ी फेमस, मैं देखता हूँ अगर मैं चल के वहाँ तक पहुँच सकता हूँ या किसी तरह उबर वगैरह लेके पहुँचते हैं। ओके, ये नेक्स्ट स्टॉप है यहाँ का अलेक्जेंड्रिया का बहुत मशहूर एक किला है, बहुत ही खूबसूरत, मैंने उसकी पिक्चर्स देखी थी, और वो थोड़ा सा दूर है इसलिए मैंने उबर बाइक मंगवा लिया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है मिस्र के अंदर उबर की बाइक मंगवाने का, तो लेट्स सी, आई थिंक वो यहीं पे कहीं पे है, 1553 बिनेली। ओके जी, सो बिनेली आ गई है इधर। सलाम कैसल, व्हाट्स योर नेम? मुस्तफा। जी गलियों से होते हुए हम जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है, लेकिन मुस्तफ़ा भाई जो हैं अपनी बनेली को पतली पतली जगहों से निकाल रहे हैं। ओके, सो अब हम बीच के साथ साथ जा रहे हैं, और अब हमने थ्रू आउट इसके साथ घूमते हुए वो उस कोने पे जाना है, और वो बिल्कुल कोने पे जाके वहाँ पे बना हुआ है किला। ओके, सो ये है जी फोर्ट्रेस बाहर से, और इसकी हिस्ट्री अभी मैं आपको बताता हूँ। इसकी पहले टिकट का पता कर लें, अंदर जाने का भी टाइम है या नहीं है, मैं लेट हो गया हूँ, 4:30 हो गए हैं, और बस सनसेट के बिल्कुल करीब है, आखिरी रोशनी पड़ रही है इसके ऊपर, और यहाँ पे इसकी एंट्रेंस टिकट है। ये है एंट्रेंस, और टिकट मुझे मिल गया है, मैंने स्टूडेंट डिस्काउंट वाला लिया। कोई भी यार आप ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह अटेंड करो और उसका एक अपना स्टूडेंट कार्ड उनसे ले लो तो फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों को भी। तो ये बना है 882 हिजरी के अंदर और 1477 AD के अंदर। किसने बनाया? सुल्तान कतब ने। सुल्तान कतब कौन था? ये जो ममलूक सल्तनत चल रही थी ओटोमन से पहले जो सल्तनत थी उनका ये आखिरी समझ लें कि था बादशाह, और इसने बनाया था स्पेशली। तो ये है जी इंटरेस्ट। वाह यार क्या खूबसूरत किला है, और मैं इसी टाइम पर ऊपर आया हूँ 4:30 बजे, सूरज की आखिरी शो है इस किले के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर पड़ रही हैं। क्या खूबसूरत किला है यार। तो ये सुल्तान कतब है जो कि ममलूक हुकूमत थी इजिप्शियंस की चल रही थी, और उसके बाद ये जो ओटोमन्स का पीरियड स्टार्ट होने वाला था उससे इजिप्ट को बचाने के लिए ओटोमन्स बहुत ज़्यादा हमले कर रहे थे इजिप्ट के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, लेकिन जो ममलूक अच्छा ये दोनों मुसलमान ही हैं जो रियासतें हैं, लेकिन अब एक रियासत अब दूसरे के ऊपर कब्ज़ा करना चाह रही है। तो ओटोमन्स क्योंकि तेज़ी से फैल रहे थे, अब उन्होंने मिस्र के ऊपर कब्ज़ा करना था, तो उन्होंने काफ़ी दफ़ा यहाँ पर हमले किए। उस हमलों से बचाने के लिए बिल्कुल फ्रंट पर आप देखें अलेक्जेंड्रिया लगता है क्योंकि, तो इन लोगों ने ये ममलूक रियासत ने ये बनाया था, लेकिन अल्टीमेटली जो इजिप्ट ओटोमन्स ने फिर फतह कर ही लिया था। तो उसने फिर यह किया कि एक ये बहुत बड़ा किला बनाया, और इसके अंदर एक उसने बहुत बड़ी एक मस्जिद भी बनाई। तो ये आप मेरे पीछे देखें बहुत ही खूबसूरत है, और इसके अब कुछ हिस्से देखते हैं हम। पहले मैं इसके आगे एक फ़ोटो उतार लूँ, लाइट ना चली जाए, फिर चलते हैं आगे। सीरियसली ये कैसल अगर आप देखें बिल्कुल ऐसा जैसे एक तस्वीरी कैसल होता है ना, आप तस्वीरों में बनाते हैं कहानियों में दिखाते हैं, बिल्कुल ये उसी की एक डिपिक्शन है। क्या खूबसूरत है यार। इसके अब ऊपर चल रहा हूँ मैं, पिक्चर्स मैंने उतार लिए हैं, और अंदर चलते हैं यार, मुझे बहुत प्यारा लगा ये कैसल। ये देखिए जी, ये मैं किले के अंदर एंटर हो गया हूँ। दिस वे? ना। दिस वे? यस। ओके। ओहो हो।
यार ये तो बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा है कि पुर्तगाल के मैं सीज़न के अंदर आ गया हूँ। इधर से जो है वो एकदम एल्प्स, उसके रहमान बे, अब्दुलरहमान बे और जो तुर्कुत वगैरह हैं वो निकल के आते थे। ये देखो सीढ़ियाँ और ये शाफ्ट है वो ऊपर तक हवा के लिए ये बनी हुई है पूरी। यहाँ से चलते हैं ऊपर। तो चार रास्ते हैं इसके अंदर, ये देखें ऊपर आके एक ये रास्ता जा रहा है, एक ये रास्ता जा रहा है और एक अब मैं इस तरफ आने लगूँ लेफ्ट साइड पे। मुझे देखना है समुंदर कहाँ से नज़र आता है। ये देखें ज़रा, वाह यार क्या व्यू है यार। बाहर जाना है मैंने भी, देखते हैं बाहर रास्ता कहाँ से निकलता है। ये चेक करें, छोटी छोटी सी गलियाँ बनी हुई हैं। ये एक्चुअल में अटैक करने के लिए बनाई हुई हैं इन्होंने। काफ़ी रास्ते हैं, ठीक है। ये है जी किला और ये ऊपर मीनार भी बना हुआ है बहुत बड़ा। इसके अलावा मस्जिद भी थी, इसके अंदर रहने की जगह थी पूरी। ये इसकी पूरी वॉल है और इस वक्त मैं ये जो दरमियान में चकोर किला है इसके अंदर घूम रहा हूँ सेकंड फ्लोर के ऊपर। ये इन्होंने लिखा हुआ है कि ये अगर कोई एनिमी अंदर घुस जाए उसके ऊपर गर्म तेल फेंकने के लिए भी ये इन्होंने हॉल बनाया होता था कि जैसे ही इधर से एनिमी को एंटर होगा ये ऊपर से यहाँ से गर्म पानी या गर्म ऑयल डाल देंगे। तीसरे फ्लोर पे आ गया हूँ और इधर छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं और ये हैं वो अटैक करने वाली स्पेशली जगह। और यहाँ पे ऊपर सुल्तान का भी एक मेन जो रूम था वो यहीं पे था। ये देखें यार उसी भूलभुलैया है, क्या किले हुआ करते थे यार उस ज़माने में। चेक करें ये सारी एक्चुअल में अटैक करने वाली जगह हैं। और पीछे आसमान देखें कितना ज़बरदस्त हो यार। ओहो चलते हैं बाहर की तरफ ना फिर। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लॉबी है, कितना ज़बरदस्त बॉक्स पे बना हुआ है पर पत्थर। और मैं दो तीन दफ़ा ना घूम गया हूँ एक्चुअल में, पता नहीं कहाँ जाना है मैंने। तो ये तो था किले का अंदर का सीन और अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ किले का बाहर का सीन। लेट्स गो। ओके वाओ क्या ज़बरदस्त व्यू है यार, क्या ज़बरदस्त सनसेट है। इस वक्त अलेक्जेंड्रिया में शाम हो रही है, मेरे भी जाने का टाइम हो रहा है। सूरज क्या खूबसूरत कलर यार इस वक्त स्प्रेड कर रहा है, ऑरेंज येलो और आगे ग्रे बादल। और समुंदर भी बहुत ही साफ़ सुथरा है, ये चीज़ मुझे वैसे देख के हैरान हुई है। बिल्कुल रोमन स्टाइल के अंदर बना हुआ ये शहर। ऑल राइट जी, तो ये था मेरा अलेक्जेंड्रिया के अंदर एक दिन और आपको मैंने एंशियंट इजिप्ट के बाद अलेक्जेंड्रिया शहर और उसका ज़माना भी दिखा दिया। इस ज़माने के बाद फिर आ गया था ऑब्वियसली हज़रत ईसा का दौर और हज़रत ईसा का दौर मिस्र के साथ उसका ज़रा ताल्लुक कम है। हम पीछे हज़रत मूसा का और हज़रत यूसुफ़ का ऑलरेडी देखा है। इसके बाद फिर आ गया था यहाँ पर इस्लाम। अगले एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे इस्लाम यहाँ पर आया और हज़रत अमर बिन आस जिन्होंने इजिप्ट को एक्चुअल में फ़तह किया और जो यहाँ पर रोमन गवर्नमेंट थी बाइजेंटाइन एम्पायर थी उनके साथ फाइट की और फिर यहाँ पे इस्लाम कैसे आया ये आप देखेंगे अगले एपिसोड में। कीप वॉचिंग बीइंग अ ट्रैवलर। मिस्र की सीरीज अभी जारी है और अभी काफी एपिसोड्स आपको दिखानी है तो देखते रहिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा चैनल को और एड्स भी देखते रहिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।